घड़े के घड़े पहुंच चुके हैं 10:30 पर, आप लोग पहुंच चुके हैं YouTube चैनल वेकअप ब्लॉग्स पर, और हम लोग पहुंच चुके हैं इस महीने के लास्ट वीकेंड पर। एंड टुडे इज 24 फरवरी 2019, बोले तो इस महीने का सबसे लास्ट वीक। और ये सब जो आपने देखा, इसकी कहानी आपको आगे बता, चलो। तो जी, ये जो हमारा हफ्ता निकला है ये बहुत ही ज्यादा दुखदायक निकला है, क्योंकि हम चल रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से बीमार बहुत ज्यादा, और उस वजह से रेस्ट लेना बनता था, लेकिन ऑफिस के कुछ छुटके-पुटके काम थे, आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट करना था, इस वजह से हमने ऑफ नहीं लिया। लेकिन कल सैटरडे को हम जो ऑफिस से आए हैं शाम को, और 10-12 घंटे का जो नींद लिया है, कुछ बेटर फील हुआ है। और अगर आपको मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए वेकअप ब्लॉग्स, क्योंकि यहाँ पर आप चलेंगे एक हफ्ता पीछे, लेकिन वहाँ पर आपको लाइव स्टोरीज मिलती रहेंगी, लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे कि हम कहाँ पर हैं, क्या शूट कर रहे हैं। वहाँ पर अगर आप रहेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अगला ब्लॉग कौन सा आने वाला है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर। अब चलते हैं आज की कहानी पर। तो आज की कहानी इस प्रकार है कि आज है रोज फेस्टिवल का लास्ट डे, जो कि लगता है रोज गार्डन सेक्टर 16 चंडीगढ़ में हर साल, और आज इस रोज फेस्टिवल का लास्ट डे है, और ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है कि मैं रोज फेस्टिवल में जा रहा हूँ ब्लॉग करने के लिए। तो देखते हैं कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। तो चलो फिर चलते हैं और सीधा अब रोज गार्डन में ही बात करेंगे। जी, अभी हम लोग आ चुके हैं रोज फेस्टिवल में, और यहाँ पर आते ही हमारा स्वागत हुआ है एक बहुत ही जबरदस्त एग्जीबिशन के साथ, तो आपको वो दिखाते हैं, देखो। ये जो मेरे पीछे टेंट आप देख रहे हैं, ये पुलवामा आतंकी अटैक में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित है यहाँ पर। रियली वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी ऑल्सो, कि वो सभी लोग हमारे लिए अपनी जान तक दे देते हैं और हम उनको ज़रा भी याद नहीं करते, ज़रा भी हम थैंक्स नहीं करते उनका। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज हम हमारे देश में खुल के घूम सकते हैं लीडर होकर, जिसमें उन सभी जवानों का बहुत बड़ा हाथ है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे देश के लिए अपने आप को समर्पित हो जाते हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम कहीं पर भी जाएं तो इन जवानों को हमेशा याद करना चाहिए, इनकी कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता, किसी भी तरीके से हम भूल नहीं सकते इनको। तो मैं बस यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इनको सलाम है, हैट्स ऑफ है इनको। सिर्फ यही लोग नहीं, जितने भी जवान हमारे बॉर्डर पर तैनात हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हर मौसम में 2400 घंटे खड़े रहते हैं डटकर, उन सभी लोगों को हमारा सबसे बड़ा थैंक्स है वेकअप ब्लॉग्स की तरफ से। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम कहीं पर भी हो, इन लोगों की कुर्बानियों को हमेशा हमें याद रखना चाहिए, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड रियली हैट्स ऑफ टू दैट। तो चलो आगे चलते हैं। स्टोर्स लगे हुए हैं, एग्जीबिशंस लगी हुई हैं, तो चलते हैं सीधा वहीं पर ही और देखते हैं कि क्या लगा है एग्जीबिशन।
तो जी अभी खबर मिली है कि यहाँ पे फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन रखा गया था और उसकी डिस्प्लेस यहाँ पे लग चुकी हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वही डिस्प्ले देखने के लिए। तो चलो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि कैसी फोटोग्राफी लगी है इस बार। अभी हम लोग जा रहे हैं किड्स जोन में, जहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं, झूले हैं, और बाकी जाके देखते हैं कैसा है क्या है वहाँ पे। चलो आप स्टेज देख रहे हैं, यहाँ पर चंडीगढ़ कार्निवल की तरह रोज फेस्टिवल म्यूजिकल नाइट होती है। और परसों आए थे अपने बिंका पार्टी, कल आई थी स्वीटी पार्टी थी, और आज आएंगे अपने पकवान साहब। तो ये मतलब फुल ऑन म्यूजिक है, फुल ऑन धमाल है। तो अगर आप आएंगे तो फुल ऑन टाइम निकाल कर आना यहाँ पर, हर नाइट को यहाँ पर म्यूजिकल नाइट होती है, ज़बरदस्त धमाल। तो जी सारा एरिया कवर करके हम लोग आ चुके हैं फूड कोर्ट में, और ये मेरे ख्याल से लास्ट एरिया होगा यहाँ का। तो चलो फटाफट से ये भी दिखाते हैं आपको फूड कोर्ट। इंशा तो जी आज के ब्लॉग में इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। देखते रहिए youtube.com, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल वेलकम ब्लॉग्स, और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि मेरा ब्लॉग आने पे आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सके मेरा ब्लॉग सबसे पहले। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, आई सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में।